के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। एसटीएफ गोरखपुर की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, पूर्व मंत्री के गनर की गायब कार्रवाई को किया बरामद। डिप्टी एसपी ने कहा जहर खुरानों ने किया था घटना को अंजाम, करते हैं कई जनपदों में जहर खुरानी। भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे रवि किशन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण, डीएम ने कहा अपने दायित्वों का करें कुशलता पूर्वक निर्वहन, लापरवाही बरतने पर होगी कड़ी कार्रवाई। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे रवि किशन ने गुरु गोरखनाथ में माथा टेक कर जीत का लिया आशीर्वाद, कहा बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरु गोरखनाथ का। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई आला अधिकारियों की बैठक, एसएसपी ने कहा आचार संहिता का कड़ाई से करें पालन। गोरखपुर पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने न्यूज कवरेज कर रहे गोरखपुर न्यूज चैनल के रिपोर्टर के कैमरे से किया अपने समर्थकों का कवरेज, कहा ऐतिहासिक होगी जीत। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के आकस्मिक बैठक में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर राजीव गुलाटी को निर्विरोध निर्वाचित होने की दी संस्तुति। जिला आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण योजना के तहत बाढ़ पूर्व तैयारियों का एडीएम फाइनेंस ने किया समीक्षा, कहा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 31 मई तक पूरा कर लें वार्षिक कार्य योजना। भाजपा से सदर लोकसभा प्रत्याशी भोजपुरी एक्टर रवि किशन का हुआ आगमन, गोलघर काली मंदिर में टेका मत था, लौह पुरुष सरकार वल्लभ भाई पटेल को किया माल्यार्पण, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी रवि किशन के गोरखपुर प्रथम आगमन पर किया गया रूट डाइवर्जन, निर्धारित रूट से निकली गाड़ियां। गोरखपुर के छात्र छात्राओं से संबंधित समस्याओं को लेकर छात्र नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, सिंगल विंडो सिस्टम की मांग। गुड फ्राइडे की पूर्व संध्या पर मसीहियों ने मनाया पुण्य बृहस्पतिवार, शिष्यों का पैर धोकर प्रभु यीशु मसीह को किया याद। आजाद हिंद चेतना मंच और हिंदू चेतना मंच के सदस्यों ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा, शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। और खत्री महिला कल्याण समिति ने धूमधाम से मनाया बैसाखी पर्व, कहा जब गेहूं की फसलें पकने लगती हैं तब पंजाबी लोकगीत के साथ मनाते हैं बैसाखी पर्व।